हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. क्या था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. इसका मतलब क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. मतलब एनर्जी भी सप्लाई है सिस्टम को और वर्क डन भी हुआ सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन जो भी रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में उतना चेंज हुआ. ठीक है, अभी कुछ डिफरेंट प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट प्रोसेस जो अपन ने पढ़े थे. कौन से प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. ये प्रोसेस में अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये चेक करना है. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हेडिंग पुट करो. नेक्स्ट हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस. अभी अपन चेक करते हैं कि इनका क्या सॉल्यूशन निकलता है. ठीक है, पहला प्रोसेस है अपने पास आइसोथर्मल. फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, मैंने तुमको बताया था. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब जो डेल्टा टी है वो जीरो होता है, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता आइसोथर्मल में. और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो मैंने बोला था कि टेम्परेचर किसका किस पे डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है. टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है. किसको चेंज कर सकता है? इंटरनल एनर्जी. मैंने बोला था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगा. बट टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा, चेंज ही नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है अपना? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब इसमें डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. मतलब ही क्या बन जाएगा? क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू. एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है. ठीक है, क्लियर है? तो अगर कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है तो वहां पे क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. ठीक है, या तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू. एकदम सिंपल हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक, अब एडियाबेटिक में मैंने तुमको क्या बोला था? एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने क्या बोला था? हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, हीट एक्सचेंज नहीं होता. मतलब जो क्यू है वो जीरो रहता है, क्यू है वो जीरो रहता है. बाकी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है. ठीक है, मतलब बाकी चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है लेकिन क्यू एक्सचेंज नहीं होगा, हीट थोड़ा भी एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर क्यू इक्वल्स टू जीरो इसमें पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू. बराबर, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन. और सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है. वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू हीट रिलीज बोल रहा हूँ क्योंकि माइनस का साइन है. हीट रिलीज बाय द सिस्टम, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम बोल रहा हूँ. बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन सिस्टम कर रहा है, किस पे कर रहा है? सराउंडिंग पे कर रहा है, इसके लिए माइनस आया. और हीट अब्सॉर्ब क्यों बोला? क्योंकि प्लस का साइन है. ठीक है, एकदम क्लियर. नेक्स्ट है अपने पास आइसोकोरिक प्रोसेस. अब आइसोकोरिक में मैंने बता दिया था तुमको, आइसोकोरिक मतलब आइसोकोरिक में क्या कॉन्स्टेंट होता है? आइसोकोरिक में कॉन्स्टेंट होता है वॉल्यूम. मतलब डेल्टा वी जो है वो जीरो होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम थोड़ा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है,
अभी तुम लोग बोलोगे सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का तो ये फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे तो कहीं पे हमको डेल्टा वी दिख ही नहीं रहा है, ये फॉर्मूला में कहीं पे भी हमको डेल्टा वी नहीं दिख रहा है, लेकिन तुमको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। तो आ गया वर्क डन बराबर, मतलब डेल्टा वी आ गया पिक्चर में। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया कि सर डेल्टा वी तो है नहीं, तो डेल्टा वी क्यों करना है? तो वर्क डन का मतलब होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। अब ये वर्क डन यहाँ पे पुट करो डेल्टा यू में, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बन गया फॉर्मूला। अभी यहाँ पे कौन जीरो है, डेल्टा वी जीरो है, अगर यहाँ पे डेल्टा वी को जीरो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू बन जाएगा बराबर। और ये क्यू को सिर्फ अपन क्यू नहीं बोलेंगे, अपन इसको क्यू वी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू वी, क्यू वी मतलब, क्यू वी मतलब हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। जितना भी हीट सिस्टम अब्सॉर्ब करेगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मैं अब्सॉर्ब बोल रहा हूँ क्योंकि प्लस का साइन है, अब्सॉर्ब करेगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस, अब ये आइसोबारिक प्रोसेस में मैंने तुमको बताया था क्या कॉन्स्टेंट रहता है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो कॉन्स्टेंट रहता है वो है प्रेशर। क्या कॉन्स्टेंट रहता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, डेल्टा पी जीरो होना चाहिए, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। अब तुम लोग बोलोगे सर अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के हिसाब से तो हमको कहीं पर डेल्टा पी दिख ही नहीं रहा है, हमको कहीं पर डेल्टा पी दिख ही नहीं रहा है बराबर। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे तो तुमको कहीं पे भी दिख रहा है डेल्टा पी दिख रहा है, डेल्टा पी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी तुमको डेल्टा पी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या चेक करो, यहाँ पे डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर तो तुमको कहीं पे नहीं दिख रहा है। अब चेंज इन प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो तुम यहाँ पे डेल्टा पी का वैल्यू पुट कैसे करोगे, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, डेल्टा पी का वैल्यू पुट कैसे करोगे, ओके। अब देखो अभी यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू, वर्क डन का तो तुमको पता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर कॉन्स्टेंट होने वाला है, ऑलरेडी प्रेशर कॉन्स्टेंट है, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा लिखा है क्या, पी के आगे कहीं पे डेल्टा लिखा है नहीं, अभी तक अपन ने जो भी सॉल्व किया वहाँ पे क्या आ रहा था, डेल्टा आ रहा था, ठीक है। मतलब पी एक्सटर्नल जो है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट रहने वाला है, वो तो चेंज होने नहीं वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, मतलब उसको तो वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ जीरो हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पे डेल्टा होना चाहिए, यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है, वो चीज़ ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो उसमें क्या जीरो पुट करोगे तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यू। और ये जो क्यू है इसको अपन लोग क्या लिखते हैं, क्यू पी से डिनोट करेंगे, क्यू हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब क्यू पी, और हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब क्यू वी, ओके, क्लियर है, ये चीज़ एकदम क्लियर है ये चीज़, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने कुछ भी चीज़ जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि पी एक्सटर्नल एक वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू रहेगा, 1.2, 2.5, 5, 10, कुछ तो एक फिक्स वैल्यू है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पी एक्सटर्नल को जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जीरो पुट हो ही नहीं सकता, कुछ तो प्रेशर रहेगा उसका, ठीक है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल था, कुछ भी था नहीं इसमें, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ था। एक बार वापस से देखो, कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, ओके, क्लियर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी को ऐसा डाउट आ रहा है कि सर ऐसा है तो एडियाबेटिक में क्यू इक्वल टू जीरो क्यू पुट किया, तो देखो इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ,
इसका जो रिप्रेजेंटेशन है और कैसे फॉर्म में हो सकता है, ये और कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, इसको तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना कि डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये भी मैंने कल तुमको बताया था, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब ये चेंज है, डी मतलब स्मॉल चेंज, लेकिन यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब मैं इसको डायरेक्टली जीरो पुट कर सकता हूँ, तो डी डी यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो डाउट भी क्लियर हो गया, ओके। अब आता है नेक्स्ट चीज, अब आता है नेक्स्ट चीज, अब हो सकता है कोई तुमको क्यू पी और क्यू वी के बीच में रिलेशन पूछ ले, क्यू पी और क्यू वी के बीच में रिलेशन पूछ ले, तो तुम लोग को अच्छे से पता है डेल्टा यू मतलब क्यू वी, अगर मैं यहाँ पे क्यू वी पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्यू वी पुट करता हूँ तो चेक करो क्या होगा, क्यू वी प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यू पी, बराबर। तो अब चाहो तो तुम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हो, क्यू वी को इधर लेके आ जाओ तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यू पी माइनस क्यू वी, या ठीक है, या फिर इसको सिंपल ऐसा ही रखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस एडजस्टमेंट है, अरेंजमेंट है, तुम लोग इधर लाओ मतलब एक ही बात, रिलेशन चाहिए था अपने को क्यू वी और क्यू पी के बीच में, वो मिल गया, ठीक है, क्लियर है। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्यू वी इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, मैंने इसको इधर लेके आ गया तो माइनस में हो गया, तो क्यू वी और क्यू पी के बीच में रिलेशन मिल गया कि ये वाला फैक्टर माइनस करो तुमको क्यू वी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, बस अरेंजमेंट करके लिखा है, ठीक है, एकदम सिंपल, ओके। अब जो एक नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से समझना, वो ध्यान से समझना, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया है क्यू मतलब हीट, ये हीट कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, ये मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो आ चुकी है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेक कर लेना, ठीक है, अभी तक नहीं देखी है तो क्यों मैंने बताया था, दो चीज़ होती है जो पाथ फंक्शन होती है, वर्क डन एंड हीट, वर्क डन एंड हीट या तो एनर्जी, ये कौन सी फंक्शन होती है, इज अ पाथ फंक्शन, ये एक पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है, ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट अ स्टेट फंक्शन, दिस इज अ पाथ फंक्शन, दिस इज द पाथ फंक्शन, ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट फंक्शन, लेकिन लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ क्यू वी एंड क्यू पी, क्यू वी एंड क्यू पी आर स्टेट फंक्शन, ये लोग जो है वो स्टेट फंक्शन है, ये है स्टेट फंक्शन, दिस इज अ स्टेट फंक्शन, क्यू वी एंड क्यू पी, क्यों ऐसा, क्यू वी एंड क्यू पी ये दोनों स्टेट फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज रहेगी वो फिक्स रहेगी, क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि क्यू पी मतलब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड क्यू वी मतलब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब चीज़ें सेम है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो तुम लोग कोई भी स्टेट पे उसको लेके जाओ, तुम लोग स्टेट वन पे रखो कि स्टेट टू पे रखो, उनके अंदर कुछ चेंज नहीं आने वाला है, उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, वो वैसे रहने वाला है, तुम लोग कोई भी पाथ से उसको लेके जाओ, तुम लोग कोई भी पाथ से उसको लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्यू वी एंड क्यू पी आर स्टेट फंक्शन एंड नॉट अ पाथ फंक्शन, एंड नॉट अ पाथ फंक्शन, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट है एंथैल्पी, नेक्स्ट है एंथैल्पी, ये एंथैल्पी क्या होता है, अभी ये एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। अब एंथैल्पी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एंथैल्पी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एंथैल्पी का मतलब तो हमारे माइंड में आ रहा है सर, कि जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, उसको बोलते हैं एंथैल्पी, उसको अपन लोग बोलते थे बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी। तो या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको अपन बोलते थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो हमने एंथैल्पी पढ़ा तो है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी अलग पढ़ा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग पढ़ा है, ये एंथैल्पी क्या है, वही है कि कुछ अलग है। तो देखो, अगर हम बात करूँ कि अगर ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, अभी सिस्टम का खुद का कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगा, ये सिस्टम का खुद का कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगा, अभी इसका इंटरनल एनर्जी प्लस ये सिस्टम कौन से प्रेशर में है, ये सिस्टम कौन से प्रेशर पे है, और इसका वॉल्यूम कितना है, ये सिस्टम का वॉल्यूम कितना, कुछ तो इसका वॉल्यूम रहेगा, 1 dm³, 2 dm³, जो भी इसका वॉल्यूम हो कुछ तो वॉल्यूम रहेगा। तो वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर जो प्रेशर पे सिस्टम है इंटू उसका जितना वॉल्यूम है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, उस मतलब ये पूरे को मुझे ब्रेक करने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम
प्लस ये सिस्टम का खुद का इंटरनल एनर्जी कितना है, ये सिस्टम का खुद का इंटरनल एनर्जी कितना है, वो हो जाएगा एंथैल्पी, वो हो जाएगा एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्लस एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, एकदम सिंपल। अगर अपने को चेंज फाइंड आउट करना है, अगर अपने को डेल्टा एच फाइंड करना है, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करना है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन। मतलब दो चीज, मतलब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि एंथैल्पी भी कौन सा फंक्शन है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। तो एच वन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच वन इक्वल टू यू वन प्लस पी वन वी वन बराबर, और एच टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टू प्लस पी टू इंटू वी टू। अब डेल्टा एच इक्वल्स टू एच टू का वैल्यू पुट करो यू टू प्लस पी टू वी टू, माइनस एच वन का वैल्यू पुट करो यू वन, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पी वन वी वन। अब यहाँ से तुमको क्या मिला, यहाँ से तुमको मिला यू टू माइनस यू वन बराबर प्लस पी टू वी टू, प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बराबर। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यू टू माइनस यू वन, मतलब ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अभी फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब ये दोनों का ही चेंज है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, डेल्टा पी वी लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा, डेफिनेटली लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों में ही चेंज हो रहा है। डेल्टा पी वी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट रख दिया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसको मैं डेल्टा से बाहर निकाल सकता हूँ, ये बन जाएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। और ये तुमको अच्छे से पता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है चेक करो, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, अगर ये इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, इफ प्रेशर इनसाइड द सिस्टम एंड प्रेशर आउटसाइड द सिस्टम आर सेम, इफ प्रेशर इनसाइड द सिस्टम पी एंड प्रेशर आउटसाइड द सिस्टम दैट इज पी एक्सटर्नल, इफ बोथ आर सेम, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एंड डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्यू पी, इज नथिंग बट इक्वल्स टू हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, इक्वल्स टू डेल्टा एच हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, आया समझ में, एकदम सिंपल सी चीज़ था, कुछ भी नहीं था। ओके, क्लियर हुआ चीज़, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो। ओके, थैंक यू।